8 साल बाद राज्य में सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन जैसे ही परीक्षा होती है 28 जनवरी को, उसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि इसके पेपर लीक होने का आरोप लगा। अब इसके बाद छात्रों का गुस्सा उबाल पर था कि एक तो यहां परीक्षा नहीं होती, होती भी तो विवादों में फंस जाती है। इसे लेकर छात्रों ने जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया और वहां पर छात्र काफी आक्रोशित हो गए, पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई और जो जेएसएससी के अध्यक्ष है नीरज सिन्हा, उनकी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया आक्रोशित छात्रों ने। इस झड़प के बाद, इस पथराव के बाद अज्ञात लोगों पर और कुछ छात्र नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुआ। इसे लेकर बीजेपी भी हमलावर रही सरकार पर और अब एसआईटी का गठन किया गया है। आज जो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है, उन्होंने भी अधिकारियों के साथ बैठक की थी तमाम विधि व्यवस्था को लेकर और एक एसआईटी गठन करने का उन्होंने निर्देश दिया, जिसके बाद एसआईटी का गठन हुआ जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे सहयोगी नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, काफी हंगामा हुआ उस दिन इस परीक्षा को लेकर, हालांकि यहां सियासी ड्रामा भी काफी चल रहा था, उन सब के बीच में छात्रों का आंदोलन था, झड़प और लाठीचार्ज, पत्थरबाजी सब कुछ हुआ, इन सब के बीच अब एसआईटी का गठन, क्या कुछ और अपडेट है इस मामले में? देखिए, एफआईआर तो पहले ही दर्ज हो चुका था जितने भी छात्र नेता थे और कई हज़ार अनगिनत जो अभ्यर्थी थे जो उस पूरे आंदोलन में शामिल हुए थे उनके खिलाफ भी, हालांकि उनका जो है नाम नहीं दर्ज किया गया है, लेकिन एफआईआर दर्ज हो गया और ये बीते दो दिन पहले ही हो चुका था। लेकिन अभी जो नया अपडेट ये है कि आज जो झारखंड के नए मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है कांके रोड स्थित जो आवासीय कार्यालय मुख्यमंत्री का, वहाँ पर एक लॉ एंड ऑर्डर जो है बैठक की थी जिसमें मुख्य सचिव शामिल थे, राज्य के डीजीपी शामिल थे और कई आला अधिकारी थे उस बैठक में, जिसमें ये चंपई सोरेन की ओर से कहा गया कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको कंट्रोल करना होगा और जेएसएससी को लेकर जो है एक एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है और कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो। तो कह सकते हैं एक तो 8 साल के बाद जो है एक परीक्षा आयोजित हुई और परीक्षा आयोजित हुई तो पेपर लीक होने का मामला सामने आया और फिर उसके बाद आंदोलन हुए और आंदोलन के बाद एक बार जो है फिर से परीक्षा रद्द हो गया, लेकिन परीक्षा रद्द होने के साथ ही कहीं ना कहीं एक बार अभ्यर्थियों छात्रों का मुश्किल एक बार फिर से बढ़ता हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि उस आंदोलन की वजह से बहुत सारे छात्रों के जो है करियर पे दाव आ गया है, करियर ख़राब हो सकते हो क्योंकि एफआईआर जो है दर्ज हो चुका है, पुलिस मामले की जांच कर रही है और जैसे जैसे जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगा बहुत सारे ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जो छात्र हैं उन पर भी कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो कह सकते हैं बड़ा झटका भी लगा है क्योंकि एक तरह से वो मांग कर रहे थे कि उनके जो परीक्षा है उसमें पेपर लीक हुआ है वो रद्द होना चाहिए, लेकिन पेपर तो रद्द हो गया है लेकिन मामला कहीं ना कहीं इन पर दर्ज होता हुआ दिख रहा है जो कि उनके लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी ला सकती है। अब एक तो एग्जाम कैंसिल हुआ नीरज, अब एफआईआर भी दर्ज हुआ है कई अज्ञात, उसमें अगर वीडियो फुटेज देखे जाएंगे तो कई छात्र उसमें फंस सकते हैं, ऐसे में तो ये बड़ी विडंबना होगी कि एक तो जद्दोजहद वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि परीक्षाएं हों, परीक्षाएं होती हैं वो बाधित होती हैं, अब जब ये मामला चल रहा है नीरज, तो ऐसे में लगता है कि सीजीएल के फिर दोबारा परीक्षा जल्द अनाउंस होगी? देखिए, एक कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाराना, एग्ज़ाम तो हुआ नहीं, परीक्षा एक बार दिया और बाकी परीक्षा हुई नहीं, लेकिन ऊपर से एफआईआर हो गया, मतलब ये है कि कुछ किया नहीं, पढ़ाई भी उतने सारी की, परीक्षा भी आयोजित नहीं, रद्द हो गई और एफआईआर ऊपर से अलग से। तो जिस तरह से आपने कहा कि आगे कब होगा, हालांकि सियासी हलचल चल रही है इस बीच, अभी लगता नहीं कि परीक्षा आयोजित हो पाएगी, तो हो सकता है कि जो जांच है जांच के बाद जो है अगर पुलिस जल्दी जांच करती है तो जांच के बाद हो सकता है कि परीक्षा आयोजित हो, या फिर जेएसएससी की तरफ से हो सकता है कि फिर से नोटिफिकेशन जारी हो, तमाम जो खामियां रही हैं उन खामियों को दूर करते हुए एक बार फिर से परीक्षा आयोजित की जाए, क्योंकि लगातार जो है एजेंसी पर आरोप लगता रहा है कि एजेंसी सही तरीके से जो है परीक्षा आयोजित नहीं कर रही है, बहुत सारे अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं मिली भगत करते हुए पेपर को लीक कर रहे हैं, ये तमाम बातें जो हैं वो कहते रहे हैं और ये कहा गया है कि अगर कोई दोषी अधिकारी है तो दोषी अधिकारी पर कार्रवाई हो। तमाम जो अभ्यर्थी हैं जिनसे हमने बात की उनका कहना था कि दूसरे राज्यों में अगर पेपर लीक होता है तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई होती है ताकि एक मैसेज जाए उन अधिकारियों तक कि पेपर लीक ना हो, उसी तरह का कार्य यहाँ भी होना चाहिए, कार्रवाई यहाँ भी होना चाहिए ताकि एक मैसेज उन अधिकारियों तक जाए ताकि वो अधिकारी जो है कड़ाई से पूरे नियम को पालन करवाते हुए परीक्षा को
आयोजित करवाएं ताकि छात्रों को दिक्कत ना हो और छात्र जो है जो सालों भर पढ़ाई करते हैं वो परीक्षा का जो मेहनत है जो पढ़ाई का मेहनत करके जो पढ़ाई करते हैं उसमें कोई दिक्कत ना आए और वो जो है सही तरीके और सरल तरीके से जो है परीक्षा दे पाएँ और जो मेहनत किए हुए हैं उसका फल मिले। चलिए नीरज शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो छात्र अब परेशान हैं, एक तो परीक्षा कब होगी इसे लेकर अब संशय है क्योंकि 8 साल बाद सीजीएल की परीक्षा आयोजित हुई थी उसे रद्द कर दिया गया है। ऊपर से जो विरोध हुआ तो कई अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है जिसमें कई छात्र फंस सकते हैं, कई नेताओं के नाम दर्ज नेताओं पर नाम दर्ज प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। ऐसे में अब देखना है कि जो लगातार मांग की जा रही है, विपक्ष ने भी ये मांग की थी, बाबूलाल मरांडी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांग की थी कि जो इसके पीछे अधिकारी हैं जिनकी मिलीभगत से क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्या इन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है, कई ऐसे सवाल हैं। तो अब इस पर संजीदगी से नई सरकार को भी सोचना होगा और जल्द से जल्द परीक्षा आयोजित कराने के लिए विचार करना होगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।